कोरोना की पहली लहर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा था, लेकिन लगता है शायद पीएम मोदी की इस अपील को तस्वीरों में दिख रहे इस हाथी ने भी मान लिया। और तभी तो हाथी खुद आत्मनिर्भर बनकर हैंडपंप से पानी खुद निकाल रहा है और पी भी रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में हाथी का बच्चा पानी पीने के लिए खुद मेहनत कर रहा है और सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। अब तक इस वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हाथी के बच्चे का वीडियो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के एक स्कूल का है। इस वीडियो में हाथी का बच्चा प्यासा है और जब वो सामने हैंडपंप देखता है तो खुद ही हैंडपंप चलाकर पानी पीने की कोशिश में जुट जाता है। वो अपनी सूंड से हैंडपंप चलाता है और फिर जल से सूंड में पानी भरकर उसे पी लेता है। हाथी के बच्चे का ये रवैया लोगों को हैरान कर रहा है और वो उसे अकलमंद भी करार दे रहे हैं। भारतीय वन विभाग में ऑफिसर परवीन कासवान ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। 30 सेकंड के इस वीडियो को काफी लोग अब तक देख चुके हैं। सोशल मीडिया यूजर्स को हाथी की ये समझदारी और उसका काम के लिए डेडिकेशन बेहद पसंद आ रहा है। लोग हाथी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि वो जुगाड़ू और बुद्धिमान है जो अपना काम अपने हाथ से कर रहा है। हाथी के बच्चे का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को देखकर खुश हो रहे हैं तो कुछ आदत से मजबूर लोग वीडियो बनाने वाले को ही नसीहत दे रहे हैं कि वो हाथी के लिए पानी का इंतजाम कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।